हेलो फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल में अभी हम बात करेंगे थार डिजिट के बारे में, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं भारतीय महामरुस्थल। तो इसके बारे में जो जानकारियाँ हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं बताऊँगा आपको। तो जो चैनल में नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पिछली वीडियोज़ को जो नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थार डिजिट के बारे में जानकारी क्या है। दोस्तों, आप लोग मैप में देख रहे हैं, और ये जो रेड कलर का है वो है अरावली पर्वत श्रेणी, और इसके वेस्ट साइड की ओर है भारतीय महामरुस्थल, या इसी को हम लोग कहते हैं थार डेजर्ट के बारे में। तो अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम किनारे पर थार मरुस्थल या भारतीय महामरुस्थल का विस्तार है। आप लोग मैप में देख ही रहे हैं, थार मरुस्थल भालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। दोस्तों, यह जो थार मरुस्थल है वह बालू का जो टिब्बा होता है, बालू का जो जमा होता है, जो फैला होता है मरुस्थल में, उसी का तरंग के रूप में यह फैला हुआ मैदान है। यह तरंग मान के चलिए इस प्रकार से है, तो इसमें पूरा बालू भरा हुआ, बालू भरा हुआ, बालू भरा हुआ, तो इस प्रकार से इसका जो फैला हुआ बहुत दूर दूर तक है। तो यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है, यह पूरा भारतीय महामरुस्थल। थार मरुस्थल का विस्तार भारत के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान में। तो दोस्तों, मैंने अभी कहा कि भारत में इसका विस्तार है, और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है। और अगर हम इसका विस्तार कितना कितना है दोनों देशों में, इसको अगर जानते हैं, देखते हैं, तो भारत में इसका जो विस्तार है, भारत में वह है 85%, यानी कि इसकी अधिकांश जो भाग है वह भारत में ही है, और पाकिस्तान में है 15%। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत की ओर इसका विस्तार ज़्यादा है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बंद वाला जो ब्लैक कलर में दिखाया हुआ, वही है हमारा भारतीय महामरुस्थल। भारतीय महामरुस्थल में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितनी कम मात्रा में बारिश होती है, ये 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, वो भी पूरे साल भर में। तो इधर बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है। दोस्तों, इसका सबसे मेन कारण क्या है वो भी मैं बताता हूँ कि यहाँ सबसे बारिश कम होने का कारण क्या है। अरब सागर से उठने वाले मानसूनी पवनें इस प्रकार से गुजर जाती हैं, एकदम आगे निकल जाती हैं, लेकिन ये अरावली पर्वत की ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण से ये जो मानसूनी पवनें हैं वह टकरा कर इसी पूर्व साइड की ओर ही रह जाती हैं, पीछे साइड मतलब वेस्टर्न साइड की ओर जा ही नहीं पाती हैं मानसूनी पवनें। इसी कारण से इस वाले इलाका में, मतलब अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम भाग में, बारिश नहीं होती है। तो इसी कारण से इधर आपका मरुस्थल बन गया है। तो अरब सागर से जो निकलती हैं पवने, वर्षा पवने, मानसूनी पवने, वो इस प्रकार से जाती हैं, लेकिन ऐसे होते हुए सीधे आगे तक चल जाती हैं, ये टकरा करके फिर वापस इधर ही मुड़ जाती हैं, इस पूर्व साइड की ओर ही गिर जाती है, इसी कारण से पीछे की ओर नहीं जा पाती है बारिश। तो दोस्तों, इसका जो विस्तार है आप लोग देख रहे हैं, इसका नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर इसका जो फैलाव है अरावली पर्वत का, अरावली पर्वत का आप लोग देख ही रहे होंगे, इस प्रकार से है यह, जो मानसूनी पवनों को रोक देती है इस पार जाने के लिए, मतलब वेस्टर्न साइड की ओर जाने के लिए। तो इसी कारण से इधर में थार मरुस्थल का निर्माण हो गया है। वर्षा ऋतु में जल मिलने के कारण कुछ सरिताएं मिल जाती हैं, परंतु पर्याप्त जल नहीं मिलने के कारण बालू में ही मिल जाती हैं, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। दोस्तों, जब बारिश का मौसम होता है, यानी मानसून जब होता है, अभी कभी बारिश होती है, तो मरुस्थल में जो कुछ कुछ सरिताएं हैं, कुछ कुछ नहरें, छोटी छोटी नदियां दिख जाती हैं, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है उसके बाद में फिर ये सारी नदियां रेत में ही विलीन हो जाती है। एक भी ऐसी नदी नहीं है जो समुद्र तक पहुंचती है, यानी कि बीच रास्ते में ही ये लुप्त हो जाती हैं। लूनी ही एकमात्र बड़ी नदी और प्रसिद्ध है। यह अरावली पर्वत श्रेणी के पुष्कर से निकलकर बहते हुए कच्छ केरन में लुप्त हो जाती है। दोस्तों, यहाँ का जो सबसे बड़ी नदी है और प्रसिद्ध नदी है वह है लूनी नदी। आप लोग मैप में देख ही रहेंगे। तो यह जो लूनी नदी है, ये जो लूनी नदी है, यह अरावली पर्वत श्रेणी के पुष्कर से निकलती है। आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अरावली पर्वत श्रेणी के कहाँ से निकलती है लूनी नदी, तो आपको जानकारी याद रखना है या फिर आंसर करना है पुष्कर से। तो यह जो है पुष्कर से निकलती हुई, ये देख रहे हैं आप लोग कच्छ करण जो कि गुजरात में है, तो यहीं पर यह समाप्त हो जाती है। यह भी नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन यह इस भारतीय महामरुस्थल का सबसे बड़ी नदी है।
तो यह कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, यानी कि लुप्त हो जाती है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये जानकारी याद रखना है। लूनी की सहायक नदियां हैं सुबरी, खारी, जवाई, गुदिया आदि। तो इसकी जो अगर सहायक नदियों की बात करते हैं तो ये हैं सुबरी, खारी, जवाई, गुदिया आदि हैं। तो लूनी ही एकमात्र सबसे बड़ी नदी है जो अरावली पर्वत के पुष्कर से निकलते हुए कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी है जो रेत में ही समाप्त हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा लूनी नदी, यह इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों देखते हैं, भारतीय महामरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.5% है। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है कि यह जो भारतीय महामरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वह पूरे भारतवर्ष का जो क्षेत्रफल है उसका कितना है, तो उसका है 4.5%। यानी कि यह भी बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में फैला हुआ है, यानी कि यह भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों थार मरुस्थल की जलवायु अद्भुत है, गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत सर्दी होती है। यहाँ की जो जलवायु है वह बहुत अद्भुत टाइप का है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि गर्मी के सीजन में यानी गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि बालू जो है वहाँ पर बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है। यानी कि हम लोग ये भी कहेंगे कि दिन के समय में वहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है और रात के समय में वहाँ पे ठंडा हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है। थार मरुस्थल में गर्म हवाएं जिसको लू कहते हैं चलती है, जो रेत के टिब्बे या टीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ाकर ले जाती हैं। दोस्तों थार मरुस्थल में गर्म हवाएं चलती हैं क्योंकि वहाँ का तापमान दिन में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी कारण से गर्म हवाएं चलती हैं या बहती हैं। तो ये जो गर्म हवाएं हैं उनको हम लोग लू कहते हैं, ये हम लोग लू कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गर्म हवाएं जिसको लू कहते हैं यह चलती है, और यह क्या करती हैं कि जो बालू के जो टिब्बे हैं, बालू का जो टिब्बा है या टीला होता है उसको भी उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, गर्म हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो यह बालू के टिब्बे हो गया, रेत के टिब्बे या टीले जो भी होते छोटे छोटे या बड़े बड़े, सभी को उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ से भी यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान में जो है गर्म हुआ है उनको क्या कहा जाता है। तो यह भी हो जाता है हमारा उत्तर लू। तो थार मरुस्थल में बरकान का विस्तार बहुत ज़्यादा क्षेत्र में है। दोस्तों थार मरुस्थल में बरकान, तो ये बरकान क्या है? तो बरकान है एक अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। दोस्तों यह इस प्रकार से होता है, ये एक चंद्रमा के आकार का होगा और इधर में पूरा बालू आपका रहेगा, तो ये अर्धचंद्रमा के आकार का रहता है। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये बरकान के समूह मिल जाएंगे देखने के लिए। तो ये होता है बरकान इस प्रकार से। तो इनका जो है बरकान समूह वह बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में है थार मरुस्थल में, और बरकान समूह के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि बरकान समूह के लिए कौन सा क्षेत्र राजस्थान का प्रसिद्ध है, तो वह है जैसलमेर। यह है जैसलमेर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में बरकान समूह मिलते हैं, और ये बरकान है वो अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। लंबवत रेत के टीले भारत पाकिस्तान की सीमा में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। दोस्तों लंबवत अगर हम लोग देखेंगे एक के ऊपर में एक बालू का टिब्बा इस प्रकार से रखा हुआ, तो इसका जो सबसे ज़्यादा मात्रा पाया जाता है वह भारत पाकिस्तान की सीमा पर पाया जाता है, यह लंबवत रेत के टीले पाए जाएंगे। यहाँ पर ये जो है थार मरुस्थल में बरकान समूह और जैसलमेर, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। जोधपुर शहर थार मरुस्थल का सबसे विकसित शहर है, ये भी आपका बहरे बहरे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इतना बड़ा जो थार मरुस्थल है उसमें जोधपुर शहर जो है वह थार मरुस्थल का सबसे विकसित शहर है। मतलब अन्य शहरों की तुलना में अगर हम लोग देखेंगे तो यह जो जोधपुर शहर है वह विकसित है। यहाँ पर लगभग आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यह अन्य शहरों की तुलना में यहाँ पर सभी चीज़ों की मात्रा या सभी चीज़ पाए जाते हैं। तो जोधपुर शहर है वहाँ का सबसे विकसित शहर। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह थार मरुस्थल है मतलब बालू से ही बना हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ आदमी नहीं रहते हैं, मनुष्य नहीं रहते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो 40% जो है आबादी, 40% आबादी यह थार मरुस्थल में ही पाए जाते हैं, यानी कि इस मरुस्थलीय भागों में भी 40% आबादी पाई जाती है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मरुस्थल है तो यहाँ पर मनुष्य या आदमी नहीं रहेंगे।
इंदिरा गांधी नहर के द्वारा राजस्थान के थार मरुस्थल को पानी मिलता है जिससे सिंचाई और पीने के अलावा अन्य कामों में लगाया जाता है। दोस्तों ये जो है इंदिरा गांधी नहर, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं राजस्थान नहर भी कहते हैं, राजस्थान नहर। तो इसके द्वारा भी ये जो राजस्थान है यानी कि राजस्थान का थार मरुस्थल क्षेत्र है उसको पानी मिलता है और इसी पानी का उपयोग वे लोग सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं, पानी पीने के लिए और अन्य कामों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो आप लोग मैप में देख रहे हैं लूनी नदी के ऊपर में, वह है आपका इंदिरा गांधी नहर, यह है इंदिरा गांधी नहर। ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यह पूरी यहाँ तक फैला हुआ है, तो यह इंदिरा गांधी नहर। तो इससे हमारा क्या होता है कि सिंचाई और पानी के अलावा अन्य कामों में इसको लगाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर जैसलमेर में जाकर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये पंजाब से इधर निकलते हुए इसको जैसलमेर में जाकर के यह इंदिरा गांधी नहर खत्म हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो जैसलमेर में जाकर के खत्म हो जाती है। यह वहाँ का लाइफ लाइन भी है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो पानी होता है और पानी के बिना हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं जीवन का, तो इसी कारण से यह वहाँ का लाइफ लाइन भी है। थार मरुस्थल में खारे पानी की झीलें सांभर, पाचपादर, ताल छप्पर, डिडवाना झीलें स्थित हैं। दोस्तों ये जो थार मरुस्थल है यहाँ पर नमकीन झीलें यानी कि खारे पानी की जो झीलें हैं उसमें से प्रसिद्ध हैं सांभर झील, आप लोग मैप में यहाँ पर देख रहे हैं, पाचपादर झील, ताल छप्पर झील और डिडवाना झील। तो इसमें से डिडवाना झील और सांभर झील के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये जो दोनों हैं ये आपका थार मरुस्थल में पाए जाते हैं, ये खारे पानी की झीलें हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क और ताल छप्पर वर्ल्ड सेंचुरी प्रमुख पार्क और वर्ल्ड सेंचुरी हैं। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वह ब्लैक बक और चिंकारा और साथ साथ बंगाल लोमड़ी के लिए यह फेमस है, चिंकारा और ब्लैक बक इसके लिए डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है मतलब फेमस है, और ताल छप्पर भी है एक वर्ल्ड सेंचुरी। तो ये प्रमुख पार्क और सेंचुरी, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इनके अलावा में हम लोग ये भी जानते हैं कि राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं और ऊँट को मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऊँट जो होता है वह मरुस्थल का जहाज होता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियाँ पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम रेत है तो मतलब कुछ भी नहीं है, वहाँ पर मरुद्यान भी मिलते हैं जहाँ पर पानी मिलता है। साथ ही साथ वहाँ पर छोटे बड़े कुछ कुछ पेड़ पाए जाते हैं, खजूर हो गए, ताल हो गए, इस प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वहाँ पर छोटे बड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं, साथ ही साथ कुछ वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं ब्लैक बक, चिंकारा, बंगाल लोमड़ी, ये सब शायद पाए जाते हैं और वर्ल्ड सेंचुरी भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा थार मरुस्थल या भारतीय महामरुस्थल के बारे में जो जानकारी थी उसको। यह जो है 4.5% हिस्सा है भारतीय क्षेत्रफल का और यहाँ पे बरकान समूह जो होता है वह जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो अगर मौका मिलता है तो आप लोग जैसलमेर में जा करके ये सब देख सकते हैं। तो लूनी सबसे प्रसिद्ध और बड़ी नदी है जो कि कच्छ करण में समाप्त हो जाती है और अरावली पर्वत के पश्चिम की ओर है हमारा थार मरुस्थल। इतनी सारी जानकारी को मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा अरावली पर्वत के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर दो छोटे छोटे ब्लैक कलर में दिख रहे होंगे, ये दोनों पर्वत श्रृंखला सॉरी पर्वत की चोटी है। तो ये सब अगर हम लोग देखेंगे तो यह है ऊपर वाला वह है गुरु शिखर और नीचे वाला है माउंट आबू। तो यह भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता ही देता हूँ, तो जो ऊपर वाला है वह है गुरु शिखर और नीचे वाला जो है वह है माउंट आबू, माउंट आबू। और ये जो माउंट आबू है वह दिलवाड़ा जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये भी जानकारी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, याद कर लेना है, क्योंकि माउंट आबू से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस प्रकार से थार डिजिट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जितने भी जानकारियाँ होंगे वो आप लोग याद कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।